नमस्कार बच्चों, अकेडमी गुरुजी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रेलवे एग्जाम है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अपने रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक, और आप लोग रेगुलर बेस पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए पूरी ईमानदारी के साथ, और इनसे आपको ये एनालिसिस करके देखना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, किस सेक्शन में आपको अभी और तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो बच्चों, आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे है कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है, जो अंग्रेजी शिक्षा है वो किसने आरंभ की थी। ठीक है, तो अपने ऑप्शन है कर्नल, मेकाले, डलहौजी और बेटिंग। ठीक है, तो बच्चों जो अंग्रेजी शिक्षा का जो आरंभ हुआ था ना, वो किया गया था मेकाले के द्वारा। ठीक है, ये 1835 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो बच्चों आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वो है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग है वो किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है। तो अपने ऑप्शन इस प्रकार है कि प्रकाश की गति के लिए, या ऊष्मा की गति के लिए, या फिर ध्वनि की तीव्रता के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है रेडियो तरंग की आवृत्तियों के लिए। ठीक है, तो बच्चों डेसिबल का जो इकाई का प्रयोग है वो अपन करते हैं ध्वनि की तीव्रता के लिए। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता के लिए, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सेवों का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है वो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है अपने अमेरिका, रूस, भारत और चीन। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा सेवों का उत्पादन किया जाता है वो होता है चीन में। ठीक है, चीन है वो सेव के उत्पादन में फर्स्ट है। ठीक है, प्रथम स्थान है, और उसके बाद सेकेंड पे रहता है अमेरिका। ठीक है, और यदि सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा सेव होते हैं J&K, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में सेव होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडल है उनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन अपने हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। ठीक है, तो सर्वाधिक रेलवे मंडल है वो है मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई में 2 रेलवे मंडल है उनका मुख्यालय। ठीक है, कौन कौन से है वो, एक तो सेंट्रल, ठीक है, एक तो सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय यही है। इसके अलावा दूसरा मुख्यालय है वो है पश्चिम मध्य रेलवे जो है ना, उसका मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, तो मुंबई में 2 रेलवे मुख्यालय का है, 2 रेलवे है इनका मुख्यालय, कौन कौन से, सेंट्रल रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2016 से पहले कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। ठीक है, कि मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2016 से पहले कोई किसी भी प्रकार का कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन अपने सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड। ठीक है, तो बच्चों 2016 से पहले सिक्किम में किसी भी प्रकार का कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। ठीक है, 2016 में इसमें रेलवे स्टेशन है वो बना था, और वो रेलवे स्टेशन उसका नाम था रोंगपो। ठीक है, रोंगपो नामक रेलवे स्टेशन है, उसका उद्घाटन किया था 2016 में, ये बना था। इससे पहले सिक्किम में किसी प्रकार का कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो मौद्रिक नीति है, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है, या इन्हें कौन बनाता है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन है केंद्रीय सरकार के द्वारा, या फिर भारत का जो औद्योगिक वित्त निगम है उसके द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, देन लास्ट है भारत के औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों भारत में जो मौद्रिक नीति है वो बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा। ठीक है, RBI की स्थापना है वो हुई थी 1934 एक्ट था, और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हिल्टन एंड यंग कमेटी है उसके रिकमेंडेशन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। ठीक है, तो यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, तो अपने ऑप्शन है कौटिल्य, नेक्स्ट है सेल्यूलस निकेटर, लास्ट फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सनीज, और लास्ट ऑप्शन है जस्टिस। ठीक है, जस्टिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो यूनानी राजदूत आया था उसका नाम था मैक्सनीज। ठीक है, और मैक्सनीज ने एक बहुत ही पॉपुलर बुक भी लिखी थी, उसके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, उस बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, मैक्सनीज के द्वारा। ठीक है, और ये एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त
मौर्य के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोंकण रेलवे है वो कौन कौन से स्थान है उनको जोड़ता है। ठीक है, तो बच्चों कोंकण रेलवे स्टेशन है वो कौन कौन से जोड़ता है। सबसे पहला ऑप्शन अपना गोवा से मैंगलोर को जोड़ता है, नेक्स्ट ऑप्शन है रोहा से मैंगलोर, उसके बाद में कन्याकुमारी से मैंगलोर, और फिर लास्ट ऑप्शन है कन्याकुमारी से मुंबई को। ठीक है, तो जो कोंकण रेलवे है वो जोड़ता है रोहा से मैंगलोर। ठीक है, रोहा एक महाराष्ट्र में जगह है, उसका नाम है, तो रोहा से मैंगलोर है उसको जोड़ता है, उसको वो कौन सा रेलवे है, कोंकण रेलवे। चलिए नेक्स्ट देख, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो कौन सा है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन है भील, नेक्स्ट है गौड, फिर है संथाल और लास्ट है थारू। ठीक है, तो भारत में जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो है गौड। ठीक है, और ये जनरली जो मिलते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे एक तो मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी में है, और पश्चिमी राजस्थान की बात करें, ठीक है, राजस्थान पूरे में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में ये काफी है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है, इसके अलावा जैसे आंध्र प्रदेश का कुछ जो उत्तरी भाग है, ठीक है, नॉर्थ साइड है, वहां भी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में भी है। चलिए ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस शहर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, दो रेलवे जोन का मुख्यालय, यदि आपको याद हो तो अभी एक क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको ये बता भी दिया था। ठीक है, तो अपने ऑप्शन है जो है वो है हुबली, नेक्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, देन उसके बाद मुंबई, और फिर है जबलपुर। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि मुंबई है उसमें दो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय है। ठीक है, और वो रेलवे जोन कौन कौन से है, एक तो है सेंट्रल रेलवे, ठीक है, मध्य रेलवे, और दूसरा जो है वो है पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे है उसका भी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, और सेंट्रल रेलवे है उसका भी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, तो एकमात्र मुंबई एक है जहाँ पे दो रेलवे जोन है उनका मुख्यालय अपने। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे है कि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और असम। ठीक है, तो बच्चों जो बांदीपुर है राष्ट्रीय उद्यान है वो अपना है किस जगह है, कर्नाटक में। ठीक है, किस जगह पे, कर्नाटक के अंदर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1979 में इसको सबसे पहले उस टाइम स्थापित किया गया था, तो ये मतलब टाइगर अभयारण्य था। ठीक है, टाइगर अभयारण्य के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने जिला अस्पतालों में निःशुल्क कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी उपचार है उसकी घोषणा की थी, की है। तो ये बच्चों करंट सेक्शन से है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, तो बच्चों कीमोथेरेपी जो निःशुल्क की घोषणा की गई है ना वो अभी हाल ही में की है, वो की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, कैंसर रोगियों के लिए जो कीमोथेरेपी का जो उपचार होता है, ठीक है, तो उसकी निःशुल्क जो है वो उपचार होगा उस चीज का, तो ये किसने की घोषणा, महाराष्ट्र ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हंगरी के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया। ठीक है, अभी हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले हंगरी के नए प्रधानमंत्री है वो चुने गए हैं। ठीक है, तो वो कौन है, तो अपने ऑप्शन है गाबोर मोना, नेक्स्ट ऑप्शन है क्विटर ऑर्बान, और थर्ड ऑप्शन है जेर्जिली, और लास्ट है जॉर्ज डेमन। ठीक है, तो हंगरी के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं क्विटर ऑर्बान। ठीक है, ये थर्ड टाइम बने हैं। ठीक है, तीसरी बार फिर से यही बने हैं। ठीक है, ये वहां के क्या बने हैं, पीएम प्रधानमंत्री। तो बच्चों अब आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि हंगरी की जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है जो इसकी राजधानी है वो कौन सी है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम स्प्रिंग महोत्सव 2018, ठीक है, कौन सा असम स्प्रिंग महोत्सव है 2018, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया। ठीक है, तो अपने ऑप्शन है काजीरंगा, नेक्स्ट मानस, फिर नामेरी और लास्ट ऑप्शन है इंदिरा। ठीक है, तो बच्चों जो असम स्प्रिंग महोत्सव है वो आयोजित तो किया गया, कहाँ किया गया,
मानस में, ठीक है। बट आपको साथ साथ ये भी याद रखना है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्प्रिंग महोत्सव 2018 का हाल ही में आयोजित किया गया है वो किस राज्य में हुआ है, ठीक है। तो किस राज्य में हुआ है, असम में हुआ है, ठीक है। इस तरीके से घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और करंट का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है, ये भी असम में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि विश्व खुशी रिपोर्ट, ठीक है, हैप्पी जो इंडेक्स है, ठीक है, 2018 उसमें भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है। तो अपने ऑप्शन है 75, फिर है 101, फिर है 133 और लास्ट ऑप्शन है 85, ठीक है। तो बच्चों जो विश्व हैप्पी इंडेक्स है, विश्व खुशी रिपोर्ट जो है, उसमें भारत का जो हाल में जो स्थान आया है वो कौन सा है, 133, ठीक है। जबकि इससे पहले लास्ट ईयर जो स्थान था वो था अपना 122, इसका मतलब अपन 11 पॉइंट नीचे चले गए, ठीक है। इतनी खुशी अपनी कम हो गई है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का अपना प्रैक्टिस सेट, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और किसी तरह का कोई सुझाव है वो भी मुझे जरूर बताइए। और याद रखिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा आज, ठीक है, वो ये है कि हंगरी है, हंगरी की क्या है कैपिटल बतानी आपको, ठीक है। हंगरी की कैपिटल है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हंगरी की कैपिटल कौन सी है, और साथ में आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियो और ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।